सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हरियाणा और पंजाब राज्यों को मिलकर मामले का हल निकालना होगा। कोर्ट ने कहा कि आखिरकार दोनों इसी देश के ही राज्य हैं, दोनों राज्य बैठक कर मामले का हल निकालें। साथ ही केंद्र को भी इस मुद्दे पर मध्यस्थ के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश देते हुए 2 महीने में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। और इस मामले पर केंद्र सरकार ने कहा है कि पंजाब सरकार ने साझा करने के लिए पानी नहीं होने का हवाला देते हुए निर्माण से इनकार कर दिया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार को आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SYL मामले पर। दोनों राज्यों को मिलकर मामले का हल निकालने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा कि दोनों आखिरकार देश के ही राज्य हैं, यानी कि एक ही देश के दोनों राज्य हैं। केंद्र को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए हैं और हलफनामा यहां पर दायर करने के लिए भी कहा गया है। केंद्र मूक दर्शक नहीं रह सकता है इस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में हलफनामा मांगा है इस मामले को लेकर। तो 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।